बर्फ जमी हुई है बिल्कुल, मतलब इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, ये स्नोफॉल नहीं, ये कम टेम्परेचर की वजह से बर्फ जम जाती है। जी व्यूअर्स, ये इस टाइम हम सोल में मौजूद हैं और ये यहाँ का व्यू चल रहा है। ये लास्ट पॉइंट है, इससे आगे कुंजरा पास के लिए आप जाते हैं, जो कि अगर स्नो फॉलिंग हो रही हो और स्नो ज़्यादा हो तो आप जीप करवा के जा सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। यहाँ पे ATMs भी हैं, यहाँ पे खाने पीने की हर चीज़ है और ये यहाँ का व्यू चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है, ये देखिए हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी। तो अभी यहाँ पर हमने थोड़ा सा स्टे किया है, खाना खाया है और एक ये पे ब्रिज देखी हमने, सो बाज़ार से थोड़ा सा पीछे आबादी की तरफ एक ब्रिज आता है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रिज है। इसके इर्द गिर्द नज़ारा मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा, बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये जो दरिया चलता है इसका तो अपना ही नज़ारा है। तो चले आए, ये देखिए अभी ये पीछे ये पानी और वो पीछे पहाड़, अब ये इधर से देखें, ये देखें इसका पानी कितना ही ज़बरदस्त इसका पानी है। ये अमेजिंग यार, अमेजिंग व्यू है, पहाड़ देखें, स्नोफॉल है, बादल हैं, ज़बरदस्त। तो चलें यहाँ पर चलते हैं। अभी एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर ज़बरदस्त दिखाता जाऊँ, जो कि बहुत ही रेयर होती है हमारे लिए, पंजाब से आए लोगों के लिए ये चीज़ बहुत रेयर होती है। बस थोड़ी देर और, बहुत सर्दी है, हाथ कांप रहे हैं मेरे, बहुत ज़्यादा सर्दी है, -3 टेम्परेचर है इस टाइम। अब ये चीज़ देखें, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेयर है। ये देखें इस नाले से पानी आ रहा है और ये पानी देखें नीचे बर्फ़ जम गई है, ज़बरदस्त ये व्यू चाहते हैं। इसको ऊपर से जाके देखते हैं, ये देखें ये बर्फ़ जमी हुई है, ये यहाँ पर ये पानी आ रहा है और ये देखें टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि ये बर्फ़ जम जाती है। देखें इसको दूसरी साइड से देखते हैं, इसको दूसरी साइड से देखते हैं जाके। ये मैं इस टाइम ब्रिज के नीचे आ चुका हूँ, ये ब्रिज का व्यू है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो चले आए इसको देखते हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, ये देखिए वाह अमेजिंग, ये बर्फ जमी हुई है, ये देख वो पकड़ के, वाह ये देख, ये देख बर्फ़ जमी हुई है बिल्कुल, मतलब इतना टेम्परेचर कम हो जाता है, ये स्नोफॉल नहीं, ये कम टेम्परेचर की वजह से बर्फ़ जम जाती है। और उसके बाद अब हम जाएंगे नीचे दरिया के पास, दरिया का नज़ारा देखेंगे, ये देखें पत्थर ही पत्थर हैं। और यहाँ से अभी कोशिश करते हैं कोई रास्ता मिले नीचे जाने का। ये है ये पत्थर से होके, ये इधर, और ये खार दर तारें लगाई हैं मैंने ताकि कोई भी नीचे ना जा सके, पत्थर ना गिर सके। और अमेजिंग ये व्यू देखें, वो था ब्रिज आपका और ये दरिया, इस दरिया का पानी देखें, इस दरिया का पानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और ये हमारे महमूद साहब, बुलबुले वाले नहीं दूसरे महमूद साहब। तो चलें चलते हैं आगे, इनसे पूछते हैं यहाँ का मौसम कैसा है, इन्होंने कैसा यहाँ पर फील किया। जी महमूद साहब क्या हाल है, ठीक ठाक हैं?
और सुनाए आपका कैसा रहा ट्रिप, कैसा इंजॉय किया आपने? बहुत अच्छा इंजॉय किया माशाल्लाह, बहुत अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस। इधर सुस्त में अभी हैं दरिया के पास, बहुत इधर तकरीबन -2 है, -2 या -3 टेम्परेचर इधर दिखाया भाई ने, साइडों पे फ्री दिखा हुआ है पानी। अभी जैसे जैसे रात होगी वैसे वैसे ये पानी और ज़्यादा फ्री हो जाएगा, होता जाएगा। ये देखें ये सीन चेक करेंगे, ये पानी की आवाज़ ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो ऊपर से पहाड़ पानी पिघल के, ग्लेशियर का पानी पिघल के यहाँ पर आता है। और एक चीज़ में और दिखाऊँ, और एक चीज़ में और आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें तो यहाँ पर भी बर्फ़ जमी हुई है, जगह जगह पर छोटे छोटे पैचेज आपको बर्फ़ के लाजमी यहाँ पर मिलेंगे। ये पाथ जाता है खुंजरा पास तक, और ये जो पाथ मुड़ रहा है यहाँ से, ये जाता है मिसगर वैली की तरफ, जो कि बहुत ही खूबसूरत वैली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में, क्योंकि अभी तो विंटर हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न गर्मियों में हम मिसगर वैली भी जाएंगे। खुंजरा पास की तरफ जाते हुए दो फेमस वैलीज आपको मिलेंगी, एक तो है मिसगर वैली और दूसरी है ये चपुरसन वैली। ये जो चपुरसन वैली का ये जो पाथ है, ये देखें ये वाला पाथ, ये सीधा चपुरसन वैली की तरफ जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वैली है, देखने के काबिल वैली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न में, अभी तो विंटर है, नेक्स्ट सीज़न में हम लोग मिसगर वैली और चपुरसन वैली लाजमी विज़िट करेंगे। तो चले मैं आपको इसका थोड़ा सा पाथ दिखाता हूँ और उसके बाद हम आगे खुंजरा पास की तरफ जाएँगे। ये जो आप देख सकते हैं बोर्ड चपुरसन वैली का, ये साथ ही यहाँ से पाथ निकल रहा है, ये चपुरसन वैली की तरफ जाता है पाथ। ये बहुत ही खूबसूरत वैली, देखने के काबिल वैली है। और यहाँ की थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं इसके बारे में। ये देखें ये चपुरसन वैली की थोड़ी सी हिस्ट्री है। 100 से ये 80 किलोमीटर है चपुरसन वैली, ये बहुत ही खूबसूरत वैली है। और ये देखें यहाँ पे आपको चपुरसन वैली में अफ़गानिस्तान साथ लिंक करता है, और खुंजरा पास के साथ तो हमें पता ही है कि चाइना लिंक करता है, लेकिन चपुरसन वैली के साथ अफ़गानिस्तान लिंक करता है। और जो चपुरसन वैली का फेमस पॉइंट है वो आप देख सकते हैं, किलिक और मंटिका पासिस जो हैं और इर्शाद पासिस जो हैं, वो यहाँ के फेमस पासिस हैं। तो चलें इसके साथ ही हम अपना खुंजरा पास का सफ़र जारी रखते हैं। मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से अब हम आगे नहीं जा सकते, हमें यहीं से वापस जाना होगा। तो हमारा ये खुंजरा का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।